जिसको प्रोग्राम अच्छा नहीं लगे तो घर जा सकते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल ना करें और बात ना करें। लेकिन बहुत सारे लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं बाहर जाके कर रहे हैं, तो अभी फोन जैसे फोन करने गया तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बैठ के मोबाइल फोन यूज ना करें। तो दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट लेंगे जिसको बात करेंगे जिसका नाम है रेड एलोवेरा जूस। दोस्तों ये प्रोवेदा का नहीं पूरा इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। आप लोग लकी हो कि गोल्डन नेपाल को पहले दिन से ये प्रोडक्ट आपको मिला जिसका नाम है रेड एलोवेरा जूस। दोस्तों रेड एलोवेरा जूस जो प्रोडक्ट है ये स्पेशल एक एलोवेरा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड एलोवेरा। करीब 400 प्रजाति का 400 स्पीसीज का एलोवेरा मिलता है जिससे ज्यादातर ग्रीन होता है दूसरा कलर में है, बट रेड एलोवेरा करीब 4-5 प्रजाति में मिलता है 4-5 स्पीसीज में मिलता है। ये रेड एलोवेरा जो होता है इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि अपने शरीर के लिए बेनिफिशियल काम करते हैं। कैसे बेनिफिट देते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। रेड एलोवेरा को बोलते हैं मिरेकल हर्ब, मिरेकल हर्ब, मिरेकल समझते हैं ना, अद्भुत अद्भुत हर्ब होता है जो आपके शरीर को हर अंग को सही रखता है, ज्यादातर पेट को सही रखते हैं। सबसे पहले एलोवेरा जूस को रेड एलोवेरा जूस में एक चीज याद रखिए, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर एलोवेरा जूस जो हम लोगों ने जब खोला तो इसका जूस जो है उसका कलर सफेद आया, कभी पिंक आया, कभी येलो आया, क्यों ऐसे होता है? गिला के देते हैं फिर भी क्यों आता है? क्योंकि रेड एलोवेरा जूस कभी रेड कलर का नहीं होगा, क्योंकि एलोवेरा जो पत्ते होते हैं उसका कलर रेड होता है, बट उसके अंदर के जो जेल होता है उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है। तो दोस्तों रेड एलोवेरा लोगों ने यह समझ लिया कि भाई रेड एलोवेरा रेड होगा, जेल का कलर कभी रेड नहीं होता, हम लोग जेल में कोई कलर नहीं मिलाते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना रोवेला का एक स्पेशल स्टाइल है कि हम लोगों ने कोई केमिकल कलर नहीं मिलाते हैं। जिस कंपनी रेड एलोवेरा में ये बोलेंगे कि रेड एलोवेरा का कलर रेड है उनसे एक चीज याद रखिएगा कि 100% उसके अंदर में कलर मिलाते हैं, समझ गया? तो रेड एलोवेरा कभी सफेद हो सकता है, कभी पिंक कलर हो सकता है, जैसे भाई ने बताया कुछ अच्छा से हिला के दिया जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा कर येलो कलर भी हो सकता है। इस सीजन में जिस तरह का एलोवेरा मिलता है उस सीजन को उस तरह का प्रोडक्ट दिया जाता है, सही है? समझ में आ गया? तो रेड कलर नहीं होगा, पूरा रेड कभी नहीं होगा, थोड़ा सा मिक्सअप कलर होगा, हम लोग इसमें एलोवेरा का पल्प भी मिलाते हैं ना। दोस्तों रेड एलोवेरा क्या काम होता है, बेनिफिट क्या है रेड एलोवेरा? रेड एलोवेरा का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है आपका डाइजेशन सिस्टम, पेट को सही तरीके से साफ रखते हैं। जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उस कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम में रेड एलोवेरा बहुत अच्छे काम करता है। नर्व को प्रोटेक्ट करता है रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स और विटामिन होता है जो आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो कमी होता है, विटामिन और मिनरल्स का जो कमी होता है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। रेड एलोवेरा वेरी गुड फॉर विजन, आंखों के लिए अच्छा होता है, नर्व के लिए अच्छा होता है, और एक बीमारी है जिसका नाम है IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उनके लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पता नहीं है, बट आप सभी लोगों को देखा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेशेंट का क्या करता है वो? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाला पेशेंट जो होता है वो पूरा दिन भर आपको पेट का स्टोरी सुनाएगा। हाँ, आज ना मेरा पेट पे गैस है, आज ना मेरा लूज मोशन है, आज ना मेरा एसिडिटी, आप देखो आंखें बंद करके एक तो आदमी मिल जाएगा आपको, आज मेरा पूरा पेट में दर्द है, तो रोज ना रोज पेट का एक प्रॉब्लम होता है। और मैं इतने सारे डॉक्टर को देखा है, पूछा उनको सर IBS का क्या ट्रीटमेंट है, बोले ये साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, आधा मन का आधा शरीर का प्रॉब्लम है, और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है जो मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, उसका नाम है एलोवेरा। तो जहां भी आपको प्रॉब्लम है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम IBS उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस आपका गॉलब्लैडर स्टोन में भी काम करता है, जिनका गॉलब्लैडर स्टोन की कोई मेडिसिन नहीं है, बट एलोवेरा जूस जो होता है गॉलब्लैडर स्टोन जिनका है गॉलब्लैडर स्टोन का पेन कम करता है, और गॉलब्लैडर स्टोन में जो पथरी होता है उसको साइज को बढ़ने नहीं देता है, इनफैक्ट गॉलब्लैडर स्टोन से कैंसर होने का भी चांस होता है उसको भी प्रिवेंट करते हैं, तो पेट के लिए अच्छा है। आप पहले को पता नहीं है नेपाल में
डेंगू और मलेरिया का क्या सिस्टम सिचुएशन है अभी, बट मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में अभी डेंगू और मलेरिया भरपूर हो गया, बारिश चला गया, पानी जम गया, अच्छे पानी साफ पानी जहाँ है वहाँ डेंगू का मच्छर पैदा होगा, और जहाँ गंदे पानी है वहाँ मलेरिया का मच्छर पैदा होगा। डेंगू का जो मच्छर होता है, डेंगू का आज के दिन में जो बीमारी है बहुत खतरनाक है। इस खतरनाक बीमारी में लोगों को सबसे ज्यादा जान चले जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं रहता, लीक फ्लो रह जाता है, फॉर ब्रेन में हेमरेज वगैरह कुछ भी उसका डैमेज हो सकता है। तो डेंगू आज के दिन में सबसे खतरनाक बीमारी। आप पेशेंट होंगे, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाए तो नेचुरली आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो डेंगू एक खतरनाक है, डेंगू मलेरिया में दोनों में सबसे ज्यादा जो खतरनाक दोनों के अंदर में, उसके लिए एलोवेरा जूस अच्छा काम करते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा किलर एनिमल कौन है, सबको मारने वाला एनिमल दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? अच्छा एनिमल प्राणी है, सही बता एनिमल ही होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को मारने वाला जो प्राणी है वो है मच्छर, बिगेस्ट किलर। ये जो पैलेस्टाइन और इसराइल में जितना मारपीट हो रहा है, लोग गोलागोली चल रहा है, लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा मच्छर शायद मार देते हैं, उससे ज्यादा मच्छर साल भर में मर देते हैं कोई भी देश में। तो इसलिए मच्छर से जो बीमारी होता है डेंगू मलेरिया, उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अपना एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस बॉडी को हाइड्रेट करता है, जिनका डिहाइड्रेशन होता है, पानी सूख जाता है, उसके लिए एलोवेरा जूस बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, रेड एलोवेरा जूस। बॉडी का खून जो है वो एसिडिक हो जाए तो बीमारी बहुत ज्यादा हो सकता है, उसको न्यूट्रल करना चाहिए। तो जो खून का जो बैलेंस होता है, पीएच बैलेंस होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस होता है, एसिड और क्षार का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस इंसान को सही रखने के लिए, बीमारी से दूर रखने के लिए, शरीर के अंदर विटामिन मिनरल देने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। स्किन में कोई दाग धब्बा हो जाए, इसको लगाने से भी कम होता है, इसको तो नहीं लगाना है, लगाने के लिए अपने पास एलोवेरा है, पर जो दाग धब्बा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा जूस पीने से भी इसमें काम करता है। एलोवेरा रेड एलोवेरा जूस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। अभी आप पूछोगे बाहर में तो जितना एलोवेरा मिलता है ग्रीन कलर है, उससे फर्क क्या होता है? रेड एलोवेरा जूस ग्रीन एलोवेरा जूस से करीब 22 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। कितना पावरफुल होता है? 22 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए रेड दोस्तों एलोवेरा का जिस प्राइस में हम लोग आपको देते हैं बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल प्राइस के अंदर। नंबर टू, एलोवेरा जूस जो है आपके शरीर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, और बिजनेस के लिए इसमें अच्छे बीमे कितना बीमे सर अभी अराउंड 700 रुपीज में आपको मिलेगा। आपको प्राइस क्या है? 1200 का 1240 में खरीद के 600% के आसपास बीमी है इसके अंदर में, और आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। चलेगा ना? दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। किसी भी इंसान इसको यूज कर सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं है, एनीबॉडी कैन यूज। एलोवेरा जूस आपके पास होगा। अभी मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो प्रोवेदा के क्या पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है नोनी जूस। क्या नाम है?